नमस्ते सभी को। तो हम लोग स्टेप सिक्स पे एक्सप्लोर कर रहे थे। हम लोग अभी अभ्यास एक कर रहे हैं, जिसमें हम स्वयं द्वारा स्वयं को अर्थात चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप वन पे हमने कल्पनाशीलता की जैसी स्थिति है वैसा उसको देखने का अभ्यास किया, बिना बदले, बिना कुछ आरोपित किए, बिना मूल्यांकित किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बस जैसा है, ताकि यथावत जो मेरी स्थिति है इस क्षण उसका मुझे होश हो जाए। उसमें भी मुख्य रूप से अपने भाव पे ध्यान दिया, क्योंकि उसमें कल्पनाशीलता में दिखा कि भाव मुख्य मुद्दा है। फिर स्टेप टू में मूल्यांकन किया कि जो भाव हमारे अंदर बना हुआ है सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, यानी वो मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, यानी मैं उसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। स्टेप थ्री पे हमने उसके साथ अपनी स्थिति को देखा कि मेरी स्थिति इसके साथ सुखद है या नहीं, आराम में है या परेशान है, कैसी स्थिति बन रही है। तो इससे एक तो अपने जो आज की स्थिति है, इस क्षण की जो स्थिति है उसके प्रति हम अवेयर हुए, है ना, हम कितने दुखी हैं, कितने सुखी हैं, कितने आराम में हैं, परेशान हैं, मेरे अंदर जो भाव चल रहा है वो मुझे सहज से स्वीकार है कि नहीं। फिर हमने स्टेप फोर पे इस बात को अपने आप में जांचा कि निर्णय कौन ले रहा है, जो भी मेरी स्थिति है दुखद ही है, परेशान हूँ, बट उसके लिए जिम्मेदार कौन है, निर्णय कौन ले रहा है। तो थोड़ी जांच परख से पता चला कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही निर्णय ले रहा हूँ। तो मेरी जो भी स्थिति है स्वयं में उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। इस बात को हम और बारीकी से समझ पाएंगे जब हम शरीर के साथ जो जुड़ाव है हमारा उसके साथ हम अध्ययन करेंगे, उस पर हम जांचेंगे, परखेंगे। तो दिखता है कि जो भी मेरे अंदर भाव बन रहा है उसका निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ। ठीक, फिर ये बात ध्यान में आई कि भाई मैं सुखी होना चाहता हूँ, वो भी हर क्षण सुखी होना चाहता हूँ, तो मैं अपने सुख के अर्थ में निर्णय क्यों नहीं ले पाता हूँ, क्यों मैं ऐसे निर्णय लेता हूँ जिससे मेरा भाव बिगड़ता है, जिससे मुझे दुख होता है, आराम नहीं मिलता, परेशान होता हूँ। जब मैं ही जिम्मेदार हूँ तो मैं वैसा क्यों नहीं कर पाता। तो फिर इसी को देखना शुरू किया कि अल्टीमेटली मैं जो निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ है या मान्यता है। तो ऐसा पता लगता है कि बहुत सारी जगहों पर हम मान लेते हैं बिना समझे। कैसे पता लगता है? तो यदि कोई समझ के भाव को हम अपने आप में रख के देखें, जैसे स्नेह का भाव, तो पता लगता है कि अगर स्नेह का भाव मेरे अंदर होता है तो मैं आराम में होता हूँ, द्वेष का भाव जाता है तो परेशान हो जाता हूँ। यानी खुद मेरी ही कुछ मान्यताएं हैं, तो मैं गलत भाव का निर्णय कैसे लेता हूँ, द्वेष का निर्णय कैसे लेता हूँ, क्योंकि उसके आधार में कुछ मान्यताएं हैं। द्वेष का भाव क्यों बना? क्योंकि कुछ गहरे संस्कार बन गए। तो हम लोग जो मान्यताएं हैं, जो गहरे संस्कार हैं, फिर उसको देखना शुरू किया। और ये भी बात हुई थी कि इन संस्कारों की सूची बनाएं कि अल्टीमेटली क्या कारण है कि मेरे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, क्या ऐसा मैंने मान लिया है, क्यों द्वेष का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्यों भय शंका का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्यों अपमान का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या मान लिया हमने। फिर वहीं पे जाएं, वही जड़ में है, उस पर काम करें। तो फिर उसको हमने देखना शुरू किया। तो इसके फाइव तक इतना किया। इसमें हम लोगों ने एक होमवर्क भी लिया था कि अपने संस्कारों की एक सूची बनानी है। ठीक, तो आज मैं पूछ लेता हूँ हमें से कितने साथियों ने विधिवत सूची बनाई है, उसको लिखा है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इसको हम अपने आप में करते चलें, है ना, काफी इम्पोर्टेंट टास्क है ये। उसके बाद स्टेप सिक्स में हम लोगों ने कहा कि अब अपने आप से पूछ के देखते हैं, ये जो हमने संस्कार बना लिया, विपरीत संस्कार बना लिए, तो पहले अपने आप से पूछें कि क्या हमें ये सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। तो हम अपने आप से पूछते हैं कि हमें कौन सा भाव स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहस्तित्व का या संघर्ष का। तो जब अपनी सहस्तित्व पर ध्यान देते हैं, तो पहले तो ध्यान दिया था स्टेप टू में कि जो भी मेरे अंदर भाव है वो सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। अब पूछ रहे हैं स्टेप सिक्स में कि सहज स्वीकार क्या है मुझे, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, अस्तित्व का या संघर्ष का। उसमें भी एक बार में तीनों शब्द बोल जाएंगे तो हम सब पे हाँ हाँ कह जाएंगे, बट अपने को किसी क्षण में देखना है, जब भी हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया तैयार हो रही है, जब भी हमारे अंदर कोई प्रतिकूल भाव बन रहा है, जब भी कहीं इरिटेशन एंगर हो रहा है, उस क्षण में अपने को देखना है कि उस क्षण में मुझे क्या स्वीकार होता है, संबंध या विरोध। जिस क्षण में किसी के साथ अनबन हो गई, कोई बहस हो गई, हमें इरिटेशन हो गया, गुस्सा हो गया, उस क्षण में अपने आप से पूछ के देखना है
किसी व्यक्ति के साथ इस परिस्थिति में, इस क्षण में मुझे सहज रूप से क्या स्वीकार है, संबंध या विरोध, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ या दुखी करना चाहता हूँ। तो संबंध एक शब्द है, परंतु जब हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो संबंध का अर्थ खुलता है। फिर आप पाएंगे कि फिर हमारे अंदर नए प्रश्न तैयार होते हैं, अरे कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है और मैं कह रहा हूँ मैं इसे सुखी करना चाहता हूँ, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है ना, बाकी समय ठीक है, इस समय तो ये ठीक नहीं है। तो फिर हमें और गहरे गहरे संस्कार दिखते हैं कि हमने क्या ऐसा माना हुआ है जो उस क्षण में मुझे इस भाव पर टिकने नहीं दे रहा है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ अपने आप से, क्या ऐसा हमने मान लिया है, क्यों नहीं कह पा रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने कोई गलती की, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार किया, तो हमारे अंदर ये भाव क्यों नहीं बन पा रहा कि मैं इसे सुखी करना चाह रहा हूँ। सुखी करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे की इच्छा को पूरा करना है ना, दूसरे के अनुसार चलना, बट हमारे अंदर दूसरे का विकास हो जाए, दूसरे में समझ भाव सुनिश्चित हो, ये निर्णय मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे तो कहीं कुछ हमने और माना हुआ है, फिर इसको और जांचेंगे परखेंगे। स्टेप सिक्स में इस काम को करते हुए है ना, फिर हमको और अपने मान्यताओं का पता लगता है, जो अगर स्टेप फाइव में नहीं पता लगा तो किसी क्षण में जहाँ संबंध बिगड़ रहा है, व्यवहार बिगड़ रहा है, हमारा भाव बिगड़ रहा है, और हम उसको जांचते हैं, पूछते हैं कि सहज रूप से क्या स्वीकार है, संबंध या विरोध, तो और ठीक से पता लगता है अपने को, है ना। ये काम अपने में करने योग्य, ये भी हमने कल असाइनमेंट लिया था, इसको किसी ने ऑब्जर्व किया हो और कोई शेयरिंग ब्रीफ करना चाहे और उससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। मुख्य रूप से यदि देखने गए और प्रश्न बन गया, नहीं दिखा, तो उसको आप यहाँ रख सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, मेरा अभी एक इसी जो आप कह रहे हैं प्रश्न उसी में है कि एक मेरा जो क्लर्क है कॉलेज में, तो इसी दौरान उसने मेरे से कोई मतलब मिसबिहेव किया, तो एकदम से उसका जो मिसबिहेव था मेरे अंदर भी आवेश आ रहा था, बट एकदम से मेरा ध्यान गया कि देखो इसका पहले तो विरोध में नहीं रहना है ना, और विरोध जो है वो मुझे सुखी नहीं करेगा, और अगर ये विरोध कर रहा है ना, वो काफी मिसबिहेव कर रहा था, मतलब गाली वगैरह दे रहा था, तो मेरे को ये गया कि अगर मैं इसके इसमें आया विरोध में तो आगे चल के मेरे को दुखी हो रहा है, और मेरे को उस पर एकदम से जैसे दया सा आया, क्योंकि वो बहुत परेशान सा हो रहा था, है ना, वो एकदम कांप रहा था और मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था, तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैं ऐसा मेरा नेचर रहा नहीं है, मैं टिट फॉर टैट रहा है हमेशा, ऐसा कोई चुप रहने वाला आदमी नहीं हूँ। और दूसरा, मेरे जो कलीग थे उन्होंने भी इसको देख के वो भी थोड़े सरप्राइज थे कि ये क्या है, तो कुछ ने तो ऐसा समझा शायद डर गया, लेकिन मेरे को पता है आज भैया जब उस फेज से मैं निकल आया तो मेरे को बिल्कुल मेरे को बहुत पावरफुल सा महसूस हो रहा है कि नाउ आई एम स्ट्रांग, इस सेंस में आ रहा है, तो उसी वक्त ध्यान गया। तो पहले क्या हो रहा था कि बाद में ध्यान जाता था, लेकिन उसी वक्त ध्यान गया, तो ये मेरे को कहना था। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। एक तो ये बात है कि विरोध को रोक नहीं पाते हैं, दूसरी बात ये हो सकती है उसी क्षण में हमने देखा कि मैं उसको सुखी करना चाहता हूँ या नहीं, और उसका उत्तर मिला हाँ, और हमारा विरोध का भाव चला गया, इस बात को भी हम देख सकते हैं अपने आप में। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी नमस्ते भैया, एक कल के उसमें एक ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा आ रहा था ये वाला कि इन सब में एक और क्वेश्चन भी है कि इन सब में एक और है जिसको हम बॉडी कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे अलग का जो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, तो हमारी हम लोग कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो कुछ और कम्युनिकेट कर रही होती है, जैसे किसी के साथ भी अगर हम बात कर रहे हैं अभी उस पे नहीं जाते हैं। अभी स्टेप सिक्स की बात हो रही है कि जिस क्षण में भी आप कभी अनकंफर्टेबल हुए किसी के साथ, व्यवहार में, संबंध के निर्वाह में भाव बिगड़ा, तो आपने अपने आप से पूछ के देखा कि मैं इस व्यक्ति को सुखी करना चाहता हूँ या नहीं, और उसका कुछ रिस्पॉन्स मिला, उस पर अगर आप कुछ शेयरिंग करें तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि अभी वही मुद्दे की बात है। अच्छा, तो
जी मैं मतलब उसी में ही हूँ, क्योंकि ये तो सारी अपना परिवार है तो उनको खुशी करना ही चाहते हैं, बच्चे हैं, और ये तो उनके लिए हमेशा यही रहा है कि वो उनको हम अब हमारी तरफ से कि हम उनको खुश करें। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो पुराने जैसे कुछ अगर विरोध चल रहा है तो उसमें से अगर एक जना हटने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसी में ही है, चाहे वो मैं हूँ या दूसरे हैं, मैं अपनी तरफ से अगर मैं अपनी तरफ से समझ के चलती हूँ कि नहीं आज मुझे इनको ऐसे ही करना है, तो दूसरे अगर उस चीज में अभी नहीं हट रहे हैं तो फिर वो वापस उसी में जाना, मतलब वो मेरे लिए, मैंने ये देखा कि मैं फिर वापस उसी में ही चली जाती हूँ कि हाँ तो फिर मतलब इसको अभी लो की में रखते हैं, अभी हम बात नहीं करते या अभी ऐसे ही चलने देते हैं। ये जी, ऑब्जर्वेशन था मेरा भैया। इसको थोड़ा शार्पन करिए, है ना। उस क्षण में देखना है जहाँ कोई बात बिगड़ रही है, भाव बिगड़ रहा है ना, उस क्षण में हम अपने आप से पूछें, हम निर्वाह क्या करेंगे वो बात की बात है। इस क्षण में मुझे कौन सा भाव स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, वो अपने आप से पूछे, है ना। भैया जी संबंध का बढ़िया। ही विचार एक्सेप्टेबल है, नहीं मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए। वो ग्रॉस लेवल पे तो हम कह ही देते हैं, बट जिस क्षण आप आवेशित हो रहे हैं, भाव बिगड़ रहा है ना, इरिटेट हो रहे हैं, उस क्षण अपने आप से पूछना कि उस क्षण में मुझे कौन सा भाव स्वीकार है। देखिए ग्रॉस लेवल पे तो हम सब कुछ कहते हैं, हाँ संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व, बट वो हमारे दिखने में उस क्षण में आ रहा है कि नहीं, ये मुद्दा है। तो उसमें अपना पार्टिसिपेशन उस वक्त क्या होगा तो बात ये। की बात है। अच्छा पहले तो भाव को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी सहस्वीकृति को ऑब्जर्व करेंगे। जी ठीक है भैया, थैंक यू। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। हेलो जी भैया, मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। हाँ जी भैया, मैं मतलब आज से एकदम सही टाइम पे ये वाली बात मतलब हो रही है, देख पा रही हूँ, बता रही हूँ कि भैया अभी क्वेश्चन हमारे सॉरी पेपर चल रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले मैं ना भैया गई फोटोकॉपी करवाने, तो वो मतलब जो स्टेनो है वो वैसे मतलब काम करके मतलब वो जैसे बोलते हैं ना लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो अगर कोई भी काम आ जाता है तो उनको एकदम से लगता है कि भी बहुत अभी काम आ गया है अभी, तो फिर भी भैया ये जानते हुए भी ना मैंने जिस मान्यता से मैंने शायद शुरू कर रखा होगा, तो जब मैंने उनको कहा कि ये पेपर करना है और अभी 3 घंटे बाद में पेपर है मेरा, कि नहीं नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और भैया एकदम से इतना कुछ समझते हुए भी ना मेरा मतलब एक बार मतलब ऐसा हो गया अंदर से बिल्कुल, मैं मतलब डिस्टर्ब एक बार हो गई है तो मैं बाहर दूसरे कमरे में जाके बैठ गई, दूसरे रूम में, और मैंने फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन भैया तुरंत शुरू हो गया। मैंने कहा इनकी लैक ऑफ कॉम्पिटेंस के कारण मतलब मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, फिर वही वाली बात भैया मेरे को ये वाली बात दिखाई दी कि जो ये संबंध वाली बात कि मैं तो सबके साथ ही संबंध देखना चाहती हूँ, और मैं मतलब इतना समझने के बाद भी मैं वापस के जीरो पे आ गई हूँ ऐसा भैया मुझे उस समय लगने लगा। लेकिन भैया मैंने मतलब इतना तेजी से सेल्फ एक्सप्लोरेशन चल रहा था मेरे अंदर, और भैया मैं मतलब बहुत ही कुछ ही मतलब मिनट में मैं वापस सहज हो गई यही बात सोच के कि भी मैं तो सबके साथ ही संबंध पूर्वक जीना चाहती हूँ, और मैं अपने अंदर ये सब क्या मेरे चला लिया मैंने। लेकिन भैया मेरे को इतना मतलब देखने की जो शक्ति है वो मतलब इस जो कंटेंट है अपना यूएसबी का उसमें मतलब बहुत पावरफुल है मुझे ऐसा लगता है, तो वो भैया मैं देख पाई और मुझे लगा कि नहीं बहुत काम करना है मुझे अभी, लेकिन हाँ भैया कम से कम देख पाई और उसको मैं वापस रिजॉल्व कर पाई। ये भैया मैं आपको जिस दिन हुआ 3-4 दिन पहले तभी मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं लिख रही थी ना, आपने कहा सारी मान्यताओं को लिखो, तो उस फिर उसमें मैंने तुरंत इसको भी लिखा करके, और मतलब कि हाँ मैंने उनके नहीं काम करने की जो मान्यता बना रखी थी वहां से ही मैंने शुरू किया था एक्चुअल में, तो मैं देख भी वहीं से रही थी उनको। फिर मैंने भैया एक्सप्लोरेशन चलाया कि देखो इतने लोग आ रहे हैं कॉपी करवाने तो परेशान हो गई हैं इस करके मेरे साथ ऐसा बोला इन्होंने, तो मतलब इस तरह भैया ये सब रिजॉल्व हो गया, और ये मैं संबंध का भाव देखने के कारण ही कि मैं सबके साथ संबंध पूर्वक ही जीना चाहती हूँ मैं इसको जो भैया मैं वापस सहज हो पाई भैया, यही है मेरी बढ़िया शेयरिंग बढ़िया थी। दी जी, बढ़िया थैंक यू भैया। नाइस दी नमस्ते भैया, जी, नमस्ते। का मैंने कल पूरे दिन भर में ऑब्जर्व किया भैया, हर बार मतलब ऐसे तो 4-5-6 छोटे छोटे इंसिडेंसेस हुए, घर में भी हुए, मैक्सिमम घर में ही हुए,
मैंने ये देखा है कि अगर मतलब जब भी विरोध का भाव मेरे दिल में आया तो मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया कि बाबा मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्यों विरोध में जा रही हूँ। तो मुझे ये बिल्कुल ध्यान में आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है, जैसी मेरी मान्यता है, जैसे मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, सामने वाले को भी बिल्कुल लग सकता है। और हर बार ये मतलब एनालाइज करने के बाद मैं थोड़ा शांत हुई, ओके, और मेरा विरोध का भाव अपने आप कम हुआ और मैं ये जान पाई कि हाँ, मैं हम संबंधों में सुख ही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हम सुखी हो सामने वाला भी सुखी होना चाहिए। तो ये अगर भाव हमारे दिल में है और फिर हम अगर उसके बारे में सोचते हैं तो पक्का मुझे मतलब ये विश्वास होने लगा है धीरे धीरे कि हम अपने आप को शांत रख के और संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। भैया इसके साथ मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि संस्कार जो हम लोग बोलते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो अगर हमारा मानना सही रहा है तो अच्छे संस्कार बनेंगे, मानना गलत रहा है तो बुरे संस्कार बनेंगे। ओके, तो फिर मतलब जैसे अपनी पहली बात मतलब इतना ही हाँ जी सॉरी तो बुरे का मतलब इतना ही है कि सही समझ से जब हम उसको उसके आधार पर मूल्यांकित करते हैं तो उसका अनुरूप नहीं दिखता, और अच्छे का मतलब इतना ही कि सही समझ के आधार पर मूल्यांकित करते हैं उसका अनुरूप दिखता है। ओके क्योंकि पहले वाले एक कुछ दिनों पहले वाले सेशन में आपने बोला था कि हम संस्कारों को बदलने के पीछे नहीं पड़ने वाले हैं, हम सही मान्यता को मतलब जागृत करने की कोशिश करना चाहिए हमने, ऐसा तो मतलब नहीं, मैं कह रहा था कि संस्कारों को बदलने के लिए काम नहीं करना है, जो सहज स्वीकृति है उसको देखना है, तो जो गलत है अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, नहीं तो अगर हम गलत संस्कारों को बदलने जाएंगे उनसे संघर्ष करने लगेंगे। हाँ वही मुझे वो याद आ रहा था, फिर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ कि अगर हम संस्कारों को बदलेंगे नहीं तो फिर वो संस्कार तो चलते रहेंगे तो सही नहीं है ना, तो ऐसा तो लेकिन ये समझ में आया मुझे, थैंक यू भैया, कि हम अगर अपना अपनी समझ प्रॉपर कर ले तो संस्कार अपने आप बदल ही जाएंगे। जी बिल्कुल, और समझ तो समय लग सकता है सुनिश्चित होने में, अगर सहज स्वीकृति को हम देखना शुरू कर दें, स्टेप 6 में बात करी जो मैं अभी पूछ रहा था, है ना? हाँ जी हाँ जी, उसको देखना शुरू कर दें तो गलत संस्कार अपने आप ड्रॉप होने लगते हैं। हाँ हाँ, सहज स्वीकृति ही बोलना चाहिए था मैंने, आई एम सो सॉरी। जी सही है, हाँ जी हाँ, थैंक यू सो मच। नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया, ये ऑब्जर्वेशन मुझ में हुआ तो मैं सुखी होना चाहती हूँ, दूसरों को सुखी करना चाहती हूँ, इसके ऊपर एक एक्सपीरियंस ऐसे आया कि जब ट्रैवल कर रहे थे रिक्शा से तो रिक्शा वाला ने मीटर ज्यादा मतलब उसका मीटर ज्यादा दौड़ रहा था या कुछ प्रॉब्लम था उसके मीटर में तो बिल ज्यादा आ गया। तो मैंने उसको कहा कि आपका मीटर फॉल्टी है, ये ज्यादा दिखा रहा है, मैं रोज यही रूट से जाती हूँ। तो बोलने लगा मेरा सही है, इतने ही पैसे हुए, ट्रैफिक की वजह से ज्यादा पैसे हुए। तो मेरे मन में ऐसे भाव आया कि ये मुझे फंसा रहा है और थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई वहां पे मेरी मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई। और उसी वक्त इसी बात को ध्यान करते हुए कि वो भी सुखी होना चाहता है तो मैंने उसको पैसे दे दिए, लेकिन भैया मन में ऐसे भाव आने लगे कि अभी इसको मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ, इसकी कंप्लेंट कर दूँ या बता दूँ कि ये इसका मीटर फॉल्टी है, आप एक्शन लो, आरटीओ को बता दूँ, ऐसे भाव आने लगे। तो इस वक्त भैया ये जो हमारा सिचुएशन है कि मैं सुखी होना चाहती हूँ, दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। जी जी, बढ़िया उदाहरण है। तो ऐसे वो क्षण होते हैं जिसमें हमारा भाव बिगड़ जाता है, उस क्षण हमारे में ये प्रश्न चिन्ह उठने लगता है कि वास्तव में क्या मैं सुखी करना चाहती हूँ या कुछ और है। तो चाहना भी क्या होती है ना, वो हमको और स्पष्ट है। सहज स्वीकृति जिसको कह रहे हैं वो है क्या? अब कोई हमारा फॉर एग्जाम्पल ऐसे किया और चीटिंग जैसा हमको लगा और उसमें हमको फिर भाव हमारा बिगड़ा, तो उस क्षण में भी क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ? एक तो अच्छी बात यह है कि हम इसको अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि हम इसको अभी सेटल नहीं कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि मैं इसको सेटल नहीं कर पा रहा हूँ कि इस क्षण में भी क्या मैं सुखी करना चाहता हूँ।
अदरवाइज हम लोग ग्रॉस लेवल पे तो कह ही देते हैं हाँ मैं सबको सुखी करना चाहता हूँ, है ना, बट जब ऐसे मोमेंट्स में फंसते हैं तो वापस वो प्रश्न खड़ा होता है, वास्तव में क्या मैं इसको सुखी करना चाहता हूँ। तो उसमें भी आप देखें, अगर इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें तो हम ये देख सकते हैं अपने आप में कि एक संभावना तो ये भी है कि वो जो बात कह रहा है वो ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मीटर ज्यादा आ गया क्योंकि शायद ट्रैफिक होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। मीटर के रीडिंग में कौन कौन से फैक्टर्स रीड किए जाते हैं, ये हो सकता है हमको उसकी पूरी जानकारी नहीं, उसकी बात सही भी हो सकती है, एक संभावना। दूसरी संभावना ये है कि उसने मीटर को कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है, इससे मीटर ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अब सकारण ये है कि वो कम श्रम से अधिक पैसा कमाने में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये जो भाव बन गया है कम से कम श्रम करके धन कमा ले, ठीक, तो वो विशेष बात है कि वो गलत भाव है, गलत इच्छा है, उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। उसे भी हम ये देख सकते हैं कि अभी समाज की ऐसी स्थिति है, है ना, कई जगहों पे ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को पुलिस वाले को या कहीं ना कहीं इन लोगों को देना पड़ जाता होगा एक्स्ट्रा पैसा, तो उसके अंदर ये जो इच्छा भी बनी है कि कम श्रम करके अधिक पैसा कमा लें, है ना, ऐसी इच्छा क्यों बन गई, तो इसको भी समझ सकते हैं। मतलब आप हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की कल्पनाशीलता को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाहना को देखना एक बात है, अब चूंकि इस पर शंका हो गई हमको तो क्यों हो गई है, उसके लिए हम दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इन सारे कारणों से उसके अंदर कुछ मान्यता बन गई। फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई छोटी सी चूक की और उसको बहुत ज्यादा पैसा उसका खर्च हो गया गलत कारणों से, अब वो कहीं से कॉम्पनसेट करेगा, कैसे कॉम्पनसेट करेगा, तो इन्हीं तरीकों से करने की सोच रहा है, तो हम उसकी स्थिति को भी समझ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसको हम कंटिन्यू तो नहीं करने देंगे सोसाइटी में, अगर कोई किसी भी कारण से गलत कर रहा है तो धीरे धीरे एक बार हो सकता है कि उसने उसको कॉम्पनसेट कर लिया, अब उसके अंदर वो लोभ बन गया और उसको बढ़ाता जा रहा है, उसको आगे लेता जा रहा है वो, है ना, और ये समाज में एक रीति की तरह धीरे धीरे बन जाता है, तो इसको नियंत्रित भी करना है। तो नियंत्रित करने के क्या चैनल्स हो सकते हैं, तो इसमें देख लें कि डिफरेंस कितना था। अगर माइनर है तो ठीक है, कोई मेजर बात नहीं है, बट यदि एक मेजर इशू बनता जा रहा है, ये रोज रोज हो रहा है, तब उसके लिए फिर प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। इस बात पे आश्वस्ति रखते हुए कि लोग सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, दूसरों को भी सुखी समृद्ध करना चाहते हैं, परंतु उनको मान्यताएं कुछ गहरी बनती जा रही है, उनको लग रहा है कोई नियंत्रण नहीं है उनके ऊपर, तो मनमानी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ एक्शन लेंगे। कई बार हम ऐसे अवसरों पर लेते हैं, ट्रैफिक वाली बात एक है, बट हम कॉलेज के लेवल पे परिवार में कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब ये मान्यता प्रगाढ़ होती जा रही है, उसको रोकना जरूरी है। तो उसके लिए हमको जो भी ऐसा विधि हो जिससे दूसरे के अंदर एक्सप्लोरेशन हो, अगर वन टू वन इंटरेक्शन करने का अवसर मिल रहा है तो दूसरे के अंदर एक्सप्लोरेशन कैसे इनिशिएट हो, उसके लिए हम काम करेंगे। अगर वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा तो सिस्टमिक लेवल पे क्या प्रोएक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, है ना, उसके लिए काम करेंगे कि नहीं। अगर बार बार हो रहा है तो कहीं पे कंप्लेन भी कर देंगे, बट कंप्लेन करने में ये फिर हो सकता है कि हमने कंप्लेन किया, छोटी सी चूक थी, दंड उसको बड़ा मिल जाए, है ना, और फिर उसके अंदर रिएक्शन तैयार हो। इन सब चीजों को भी हम अपने आप में पहले विचार करेंगे और उसके बाद फिर हम निर्णय लेंगे। बट ये बात तो आपको विजिबली दिखने लगता है कि मैं भले इसको अपने ऊपर मान लेता हूँ, ग्रॉस लेवल पे कह देता हूँ कि हाँ सबको सुखी करना चाहते हैं, बट जब ऐसे क्षणों में उलझते हैं तो वापस हमारे अंदर शंका उत्पन्न होती है, और फिर ये भी आपको लगेगा कि सुखी करने का मतलब ही क्या है, वो अगर 100 रुपए के बजाय 200 रुपए मांग दे तो मैं दे दूं, यही सुखी करना हुआ क्या। सुखी दूसरे को सुखी करने का मतलब उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना है क्या, ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है कि सुखी करना चाहते हैं मतलब क्या, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं क्या, तो नहीं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे दूसरे के सेल्फ में डेवलपमेंट बिना रिएक्शन आए, तो हमारे अंदर ये जिम्मेदारी का भाव बना रहता है। तो मैं दूसरे की इच्छा को सामूहिक रूप से कभी पूरा भी कर दूंगा, कभी नहीं भी करूंगा, ठीक है ना, बट दूसरे के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा उसके प्रोसेस को जरूर मैं सोचूंगा। अगर उस क्षण अवसर है डायलॉग करने का तो डायलॉग उस क्षण भी करेंगे। कई बार जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, उस क्षण में अपने आप से पूछ के देखिए कि नहीं आप चाहते क्या हो। उसी क्षण में कोई अगर हमें भी ऐसा प्रश्न ध्यान में आ सकता है कि वो चाहता क्या है, तो सकता उसका ध्यान तुरंत चला जाए। कई बार हम ऐसे गंभीर स्टेटमेंट भी दे पाते हैं जिससे उस व्यक्ति के अंदर, है ना, एक ध्यानाकर्षण हो जाए, गहरा ध्यानाकर्षण हो जाए।
तो ये भी हम विचार कर सकते हैं, है ना, उसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जी। आप पाएंगे हाँ बहुत सारे पंचेज भी चलते रहते हैं, है ना, स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे लोगों का ध्यान जाता है कि नहीं। हाँ भाई, तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे करेक्टिव मेजर क्या हो सकता है जिससे उसके अंदर एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाए। तो जैसे हम ये कहते हैं कि भैया आपने मीटर को जरूर डैमेज किया हुआ इसलिए इतना आया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया जब हम रोज जाते हैं तब तो इतना ही आता है, आज मीटर में इतना कैसे आ गया, क्यों आ गया, है ना। हाँ बोला था भैया जी जी, हाँ ठीक है, तो आप एक बार मीटर चेक करा लीजिए, है ना, जैसे हो सकता है कि फिर और कोई भी इसी तरह से आपसे पूछे और आपको अपमानजनक लगे बार बार किसी का पूछना, तो आप मीटर चेक करा लीजिए। तो हम ऐसे भी सजेस्टिव करेक्टिव मेजर सजेस्ट कर सकते हैं, ये एक टिपिकल एग्जांपल है बट हर रिलेशन में पॉसिबल होता है। किसी के ऊपर आरोप लगाए हम उसको एज अ हेल्प, हम उसको डेवलप करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं उस पर विचार करें। हाँ भैया जी जरूर भैया, थैंक यू। बढ़िया जी, आपका एक टिपिकल एग्जांपल था बट उससे मुझे लगता है कि और जो जनरल सिचुएशंस हैं उसमें अपने को क्लैरिटी मिलेगी। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, मैं ऑन एंड ऑफ इंग्लिश में हूँ, थोड़ा हिंदी ठीक नहीं है और मैं कानपुर होके आया हूँ। अभी इसी ना मुद्दे का क्वेश्चन यही है कि जब हम अपनों से बात करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहते हैं, लेकिन वही बात अगर हम दूसरों की परिस्थिति में करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं, वैसा क्यों होता है? क्योंकि हम ही रख रहे हैं दोनों चीजों में। फिर से कहिए। अगर हम अपनों से बात करते हैं, मतलब बच्चों से करते हैं या पत्नी से करते हैं या दोस्तों से करते हैं, एक तरफ का व्यवहार रखते हैं कि वैसा करना चाहिए उनको, लेकिन अगर हम अनजान लोगों से करते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन उतना नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो हम अपने को एक्सपेक्ट कम करते हैं, अपनों से ज्यादा करते हैं और दूसरों परायों से मतलब रखते ही नहीं है या कम रखते हैं, ऐसा फर्क हम ही क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी मान्यता। हाँ भैया जी, इसमें एक भाग तो स्वाभाविक है कि जब हम रिलेशनशिप को निर्वाह कर रहे होते हैं साथ साथ, तो हमारे रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट्स बन जाते हैं, तो एक अपरिचित के साथ वो कमिटमेंट नहीं है, है ना, परिचित के साथ है। जैसे आप बच्चे को बचपन से, है ना, पोषण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक, तो आपका एक कमिटमेंट है उस रिलेशन में कि मुझे इस बच्चे के सेल्फ को डेवलप करना है, इसको प्रॉस्पेरस बनाना है, इसको स्किल सिखाना है, तो बिल्कुल रखेंगे उसको, है ना, वो एक्सपेक्टेशन नेचुरल है, होगा ही कि इसके साथ वो बच्चा सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, क्योंकि इतना सारा हमने जो प्रयास किया, है ना, उसका फल परिणाम आए, तो ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन ठीक है। अब कोई अपरिचित व्यक्ति है या पड़ोसी का बच्चा, हमने उसके साथ तो मेहनत नहीं किया, वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि नहीं। लेकिन तीसरा मुद्दा यही है कि अगर हम अपने पे एक्सपेक्ट करते हैं वो कम करते हैं, अपनों से ज्यादा करते हैं, वैसा क्यों? मतलब अपना तो कुछ है ही नहीं, मतलब अपना खुला नहीं है या कमिटमेंट नहीं है या कुछ भी है, हम तो इतना कर रहे हैं बोल के किसी को बोल देते हैं, लेकिन हम खुद पे नहीं करते हैं ज्यादा एक्सपेक्ट, वो क्यों? देखिए वो तो आपको ही देखना पड़ेगा कि हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन अगर नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब कि वही हम अपने इंटेंशन को देख रहे हैं और अपने लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को नहीं देख रहे हैं, और दूसरे के लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को देख रहे हैं, इंटेंशन को नहीं देख रहे हैं, ये एक मेजर कारण हो सकता है। नहीं तो हम तो अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हमारे में ज्ञान की पूर्णता हो जाए, समाधान की पूर्णता हो जाए, हम निरंतर सुखी हों, ये एक्सपेक्टेशन तो है। तो हम अब उसको किस रूप में देख रहे हैं, हम सुख को ज्ञान से जोड़ कर देख रहे हैं या बाहर से अनुकूल संवेदना पाने को? तो हो सकता है कि हम, है ना, अपने बारे में ये मान के बैठे हुए हैं कि हाँ बाहर से अनुकूल संवेदना मिलती रहे, सुख मेरा इसी से बना रहे, ठीक है। जब दूसरा व्यक्ति उससे सुखी होने जाता है तो हम प्रश्न ही खड़ा करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो ये जरूर सकता हम भेद कर रहे हैं अपने बारे में और दूसरे के बारे में, हम भेद कर रहे हैं। तो मैं जो छोटा एग्जांपल देता हूँ भैया, मतलब बात सीधी नहीं आई है इसलिए एग्जांपल रखता हूँ। मैं यहाँ पे एक माहौल में हूँ जहाँ पे गर्मी बहुत है, हैदराबाद में हूँ मैं, और मैं 10 दिन मेरे बच्चे मेरे पास आए छुट्टियों के दिनों में, उनके लिए वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो मैंने उनके लिए एसी लगवाया, और मैं 3 महीने से एसी वातावरण में रह रहा हूँ,
उनके लिए मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं करने की सोच रहा हूँ, ये न्याय है अन्याय है मेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा। उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा। मतलब एक मतलब फैन भी नहीं लगाने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, क्योंकि चल जाएगा काम, पैसे बचाना है वो ये, बच्चे आ गए तो एसी भी लगाने तक जिद कर दिया मैं, मतलब मैं ही करा हूं। तो अपने लिए कम सोच के दूसरों के लिए ज्यादा सोचना, अपने बच्चे के लिए ही, ऐसा नहीं है कि मैं पड़ोसों के लिए सोच रहा हूँ कुछ। लेकिन ये जो न्यायिक वाला भाग है या जो जो प्रॉस्परिटी जो कुछ भी आप उसको नाम दे दे, बच्चों के लिए ज्यादा कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ जी। तो ये बिल्कुल उल्टी बात हुई जो आप पहले कहते कि हम दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने से कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसा नहीं, आप कह रहे मैं अपने को कम फुलफिल कर रहा हूँ, दूसरों को ज्यादा फुलफिल कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये दोनों भी ऑपोजिट थे। हाँ, वो पढ़ाई में वो वाला है, सुविधा में ये वाला है, तो दोनों सुख समृद्धि में मैं दूसरों को सुख करने के लिए अपनी समृद्धि को मतलब पैसे तो लुटा रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन अगर मेरी बात आ जाती है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ एक बात। और पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए उनको ज्ञान देने के लिए मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ और पढ़ रहे नहीं है वो, तो मैं उन पर गुस्सा हो रहा हूँ। और मैं खुद पढ़ने के लिए जाता हूँ तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये जो दोनों अंतर्द्वंद मेरे साथ चल रहा है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जी। उसमें मामला सिंपल है ना, मामला ये है कि आपके अंदर संबंध की स्वीकृति है बच्चे के प्रति, तो आप बच्चे का भविष्य कैसे अच्छा हो जाए उसके लिए उसको पढ़ा लिखा भी रहे हैं, और जब पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं करता तो नाराज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं उससे। और बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए इसके लिए आपको ये भी जरूरी लगता है कि बच्चा हमारे साथ संबंध में आश्वस्त रहे। तो एक तरफ हम उसके लिए सुविधा जुटा रहे हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, और आश्वस्त हो जाए उसमें लगता है कुछ अनावश्यक सुविधा भी अगर मांग रहा है तो पूरा कर देते हैं, है ना, नहीं तो उसके अंदर कुछ रिएक्शन आएगा। तो उसके अंदर जो संबंध की स्वीकृति बनी है बच्चे के प्रति उसके साथ ही कर रहे हैं। जनरली परिवारों में ये सब हो ही रहा है, आमतौर पर देखें तो माँ बाप जो सुविधा अपने लिए जुटाते नहीं है वो बच्चों के लिए जुटाते हैं ताकि बच्चा आराम में रहे, बच्चा उनके साथ आश्वस्त महसूस करे, है ना। और कई बार हम कहते हैं ठीक है मैं तो समझ सकता हूँ, इतनी उम्र का हूँ, छोटा बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, अब इसने दबाव भी क्यों बनाना है, खाने के लिए कह रहा भाई खिला दो, है ना, कुछ मंगा रहा घर में मंगा दो। तो ये तो हमारे अंदर एक स्नेह का भाव होता है जिससे हम इस काम को कर रहे होते हैं, ये बात तो ठीक है ना। हमको अपने लिए नहीं चाहिए क्योंकि हमको दिखता है उसे आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आगे करने काम है कि उसकी इच्छा को एक सीमा तक पूरा करना, साथ में उसके अंदर मूल्यांकन को भी तत्पर करना कि वो अपना मूल्यांकन कर पाए, अपनी आवश्यकताओं को ठीक से मूल्यांकन कर पाए कि है या नहीं इतनी आवश्यकता है, है ना। ये आगे काम है। पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे ही है कि हमारी जिम्मेदारी उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है, है ना। परंतु यदि वो नहीं पढ़ पा रहा तो हम उससे दुखी परेशान नहीं होंगे, हम ये देखेंगे कि अल्टीमेटली उसका ध्यान क्यों नहीं जा रहा, पोटेंशियल तो है ही बच्चे में, तो उसका ध्यान कहीं फैला हुआ है, उसके ध्यान को समेट के वहां लाएंगे। ये दो जो बातें आपने कही ये आमतौर पर परिवारों में हो रहा होता है कि हम बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए तो व्यवस्था बनाते हैं और फिर हम उसमें है ना अपने आप को इन्वॉल्व भी करते हैं अब उतनी, और बच्चों के लिए कई बार हम है ना उससे हम एक्सपेक्टेशन भी बना लेते हैं, ये एक्सपेक्टेशन सारी पूरी होनी चाहिए, उसके लिए हम बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधा जुटाते हैं, हमको अपने लिए आवश्यक नहीं दिखता तो अपने लिए नहीं करते। तो ये विरोधाभासी नहीं है, है ना, हम अपने लिए निर्णय एक प्रकार से लेते हैं, अपने बच्चे के लिए दूसरे प्रकार से लेते हैं, पड़ोसी के बच्चे के लिए तीसरे प्रकार से लेते हैं। धन्यवाद जी, बढ़िया भैया। तो अभी हम धन्यवाद जी। तो 6B में जो इतनी सारी बात हुई ना, फिर आप इस बात को देख पाएंगे कि मुझे स्वयं में सही भाव को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, संबंध के भाव को, व्यवस्था के भाव को, सहस्तित्व के भाव को। और इसका मतलब ये हुआ कि मुझे संबंध और संबंध अपनी भागीदारी के चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि संबंध कहाँ समझ में आएगा, चिंतन की क्रिया में। व्यवस्था का बोध कहाँ होगा, बोध की क्रिया में। व्यवस्था कहाँ समझ में आएगा, बोध की क्रिया में। सहस्तित्व दिखाई देता है अनुभव की क्रिया में। तो फिर हम उसके लिए निर्णय लेते हैं कि मुझे इसके लिए इन क्रियाओं को स्वयं में जागृत करना है, है ना। अल्टीमेटली ये क्रियाएं जागृत नहीं हो रही इसलिए मैं दुखी परेशान हो रहा हूँ। तो परेशानी बाहर नहीं है, भीतर है। परेशानी कारण भी देखें तो बाहर नहीं है, भीतर है। कारण का निवारण भी देखें तो बाहर नहीं है, भीतर है। नहीं, तो मूल काम तो भीतर ही होना है और बाहर का सदुपयोग करना है जी। नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा भैया।
तो ये मतलब हुआ कि चिंतन को जागृत करना है, मतलब कि जो संबंध है, व्यवस्था में भागीदारी है वो दिख जाए। कहाँ दिखेगा ये, अगर ब्लॉक B1 की देखें तो क्रिया जो नीचे लिखी है चिंतन, वहां पे हमको दिखना है। वैसे ही जो बोध की क्रिया लिखी है वहां व्यवस्था का दिखना है और सहस्तित्व का अनुभव होना है। तो मुझे इसकी अब आवश्यकता स्पष्ट होती है, तो समझने की आवश्यकता है, ये हमको स्पष्ट हुआ है ना। इसका मतलब हमको इन क्रियाओं को जागृत करना है, ये स्पष्ट हुआ नहीं। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 10 मिनट अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं कि ओवरऑल तो हम फिर भी कह लेते हैं है ना कि हाँ हाँ ये सब करना है, अनुभव तक पहुंचना है, बोध सुनिश्चित करना है, चिंतन सुनिश्चित करना है। अब क्या हम जब भी हमारे पास समय रहता है, खाली समय, क्या उस क्षण भी मेरा ये निर्णय बना रहता है? जब कामों में व्यस्त है तो व्यस्त है, समय नहीं है। जब समय है तो क्या ये मुझे प्रायोरिटी दिखती है अपने आप में? इसको हमको ऑब्जर्व करना है। तो बढ़िया है, इसको भी ऑब्जर्व करते हैं 10 मिनट है ना, कि इस निर्णय को हम कितना अपने आप में देख पा रहे हैं, इसको हम शेयरिंग करेंगे। जी प्रश्न रखेंगे, इन 10 मिनटों में कोई प्रश्न नहीं लूंगा मैं। जी भैया ठीक, जी बढ़िया। जी भैया नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। अभी जो 10 मिनट लगातार जो हम करते हैं उसमें, जैसा उस दिन एक भाई ने बताया था, किसान भाई थे हमारे, उन्होंने ये बताया था कि भैया मैं, आप तो बोल रहे 10 मिनट ध्यान करने के लिए, लेकिन जैसे भी मैं अपने आंखें बंद कर देता हूँ तो मुझे सारे मेरे काम याद आते हैं। तो वैसे ही मैंने भी आज प्रयास किया भैया, तो मुझे ये महसूस हुआ, वो भाव बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मेरे जो भी पेंडिंग काम दिख रहे थे उसमें, जो भी है सारे पेंडिंग काम दिख रहे, लेकिन भाव बहुत बढ़िया बना रहा। मतलब सेल्फ ने सेल्फ को जब देखा तो बताया, भाई प्रशांत कुमार तुम तो अच्छा सुन रहे हो, 10 मिनट के लिए आग बंद करिए हो, लेकिन तुम्हारे ये काम आपके पेंडिंग है। तो भैया क्या ये ऐसे भाव, उसे हैप्पीनेस मिला पक्का, और लास्ट भाव ये आया कि आज भैया से बात करके हम सुखी होना है। तो क्या भैया ये भाव आने अच्छे है कि बुरा है? जी, एक करने लायक काम है, वो मैं भी कर लिया करता हूँ, कि जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान देने बैठे ना, कॉपी पेन लेके बैठे जी, और जितने भी काम याद आते जाए, पॉइंट्स याद आते जाए ना, उनको आप लिखते जाइए। जी जी भैया बिल्कुल, होता है कि बहुत आराम में आप होते हैं तो सारे काम भी आपको याद आ जाते हैं, है ना। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ध्यान देने योग्य, जहाँ ध्यान नहीं गया है वो भी लिख लीजिए, कि परिवार में कोई चीज है ना ध्यान देने की है उसको ध्यान दे, कॉलेज में कोई चीज ध्यान देने की उसको ध्यान, वो सब लिख लीजिए। एक समय आप खाली हो जाते हैं, फिर अगर आप उसको लिख लेंगे ना, उससे फिर आप खाली जाए, फिर आपको लौट के उसकी चर्निंग नहीं करनी, वापस उस पर ध्यान नहीं देना है, वो नोट कर लिया है ना, उसको बाद में पढ़ लेंगे हम, देख लेंगे। तो उसको कॉपी पेन लेके बैठिए और ऑब्जर्व करते समय पहले वो सारी चीजों को लिख के खाली कर लीजिए अपने आप को। जी भैया, मतलब ड्यूरिंग दैट 10 मिनट्स, जो 10 मिनट में हमारा चल रहा है भाव देखना, सेल्फ ने सेल्फ को देखना भी, और हम तो ये बात करें कि हर 4 घंटे पे ऑब्जर्व करना है अपने आप को। हाँ वो तो हम मतलब बीच बीच में करते रहते हैं, लेकिन ये जो अपनी बात चल रही है कि सेल्फ ने सेल्फ को देखना 10 मिनट में, तो उसमें भी हमने कुछ जो पेंडिंग काम है वो याद आ गया तो हमको हैप्पीनेस लगने लगा। अगर वो याद नहीं आता तो हमको अरे यार हड़बड़ी में, अरे अपन तो ये भूल गए, तो वो बेकार लगने लगता। हाँ तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए है ना, और खाली कर लीजिए अपने आप को, हमको अलग से लिस्ट बनने बनाने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट आपने सवेरे हमको 7 से 7:20 के बीच में है कि आप लिस्ट बनाए खाली है ना, इसलिए है ताकि वो लिस्ट बनाकर आप खाली हो जाए, ताकि इन स्टेप से ध्यान दे है ना, ये बात महत्वपूर्ण है। जी 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 भैया, जी जी नमस्ते। जी बढ़िया भैया नमस्ते। तो हम ये देख सकते हैं उदाहरण के लिए, इस संबंध का भाव हमें सहज स्वीकार है। यदि मुझ में एक क्षण के लिए भी किसी व्यक्ति के प्रति विरोध का भाव आता है तो मुझे सहज स्वीकार नहीं होता और उस क्षण मैं दुखी होता हूँ। उसी प्रकार से हम यह भी देख सकते हैं कि सहज रूप में तो हमें सहस्तित्व का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है। यदि मुझ में एक क्षण के लिए भी संघर्ष का भाव आता है तो मुझे सहज स्वीकार नहीं होता, उस क्षण मैं दुखी होता हूँ। तो भले हमने अपने बच्चों को सिखा रखा है क्या, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा और जो स्वस्थम होगा वही उत्तरजीवी होगा, और प्रकृति के विकास के लिए हमने इसको सिद्धांत बना लिया है,
तो हम इस चीज को मान लेते हैं और अपने आप में संघर्ष को पालते रहते हैं, भाव को पालते रहते हैं संघर्ष के, उसके लिए योजना कार्यक्रम बनाते रहते हैं, बट अपने आप से पूछते हैं दिखता है मुझे स्वीकार ही नहीं है सहज रूप से। तो ऐसे एक उदाहरण है, बट आप जो शेयरिंग कर रहे हो ढेर सारे उदाहरण है ना। तो ऐसी बहुत सारी मान्यता हम बना लेते हैं, मान्यताओं का हमारे अंदर भाव बिगड़ते रहते हैं और हम अपने आप से पूछ के देख भी नहीं पाते उस क्षण में कि संबंध का भाव स्वीकार है कि ना विरोध का भाव, शस्त्र का भाव या संघर्ष का भाव। इसको हम अपने आप में पूछते चले तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि हमारे स्टेप्स में अब करने लायक काम और बढ़ता जा रहा है। तो हमने स्टेप वन में भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, फिर उसका मूल्यांकन किया, है ना, सहज स्वीकार है कि नहीं, ठीक है वो हो गया, उसका स्थिति सुखद है कि नहीं वो भी हो गया। फिर हमने देखा निर्णय कौन लेता, उससे सहमत हो गए, हाँ भाई निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, परंतु उसको भी किसी क्षण में अगर आप ऑब्जर्व करें तो और क्लैरिटी बनेगी कि ऐसा हम कह तो रहे हैं कि निर्णय मैं लेता हूँ ओवरऑल ग्रॉस लेवल पे, बस जिस क्षण दूसरे के ऊपर गुस्सा आया हम अपने दुख के लिए तो दूसरे को जिम्मेदार मान रहे हैं, अपनी परेशानी को दूसरे को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो उसको भी ओपन रख के और ऑब्जर्व करना है, फिर और आगे ऑब्जर्व करना है कि उस भाव के आधार में संस्कार क्या है, मेरा मान्यता क्या है। फिर वहां पे और एक काम करना है कि जैसी मान्यता बनी हुई है मेरी सहज स्वीकृति क्या है, ऐसा है वैसा, संबंध या विरोध, इसको पूछना है अपने आप से, है ना। फिर उससे आगे है कि अगर हमको दिख जाए कि संबंध का भाव, तो अपने आप में निर्णय लेंगे कि संबंध के भाव को समझना है। तो आज असाइनमेंट के रूप में ये रहेगा कि दिन में तो काफी से हम लोग व्यस्त रहते हैं, ठीक है ना, उस समय तो हमसे कोई पूछे तो हमको ध्यान भी नहीं रहेगा, बट जब भी आपके पास खाली समय बचता है, फ्री होते हैं, तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मुझे ये इस क्षण में चिंतन की क्रिया जागृत करने की आवश्यकता दिख रही है, बोध की क्रिया जागृत करने की आवश्यकता दिख रही है, अनुभव की क्रिया जागृत करने की आवश्यकता दिख रही है। तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, है ना। तो मुझे संबंध और संबंध अपने भागीदारी के चिंतन की आवश्यकता है। अब ये मुझे अगर दिख जाए कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ और मेरा भाव बिगड़ रहा है, तो एक तो भाव बिगड़ना रुका कि मैं सुखी करना चाहता हूँ, ये क्या हुआ, मैं तो दुखी करने का विचार करने लगा था। अब उस क्षण में हमको आगे ये देखना है कि क्या इस क्षण में मुझे दिख रहा है कि मुझे अपने संबंध के चिंतन की आवश्यकता है। तो फ्री आवर्स है तब भी, कोई बात बिगड़ रही है तो भी हमको अपने आप से पूछना है क्या मैं चिंतन की क्रिया को जागृत करने की इच्छा रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता है मुझे कि चिंतन की क्रिया जागृत करनी है, बोध की क्रिया जागृत करनी है। इसे भी चिंतन से शुरू करें ना, ज्ञान की शुरुआत तो चिंतन से ही है, तो चिंतन से अपना शुरू करें काम। तो ये पूछा हमने कि मैं इसको सुखी करना चाहता हूँ नहीं, मुझे संबंध का भाव स्वीकार है कि नहीं, अगर उसको उत्तर मिलता है हाँ संबंध का भाव स्वीकार है, तो उस क्षण में मुझे दिखता है कि नहीं कि संबंध के चिंतन की आवश्यकता है ना, सही भाव के चिंतन की आवश्यकता है, मुझे इस पे काम करना है। उस क्षण में मैं इस निर्णय को देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात, जब भी खाली समय है तो क्या हम इस निर्णय को अपने आप में देख रहे हैं कि इस खाली समय का सदुपयोग ये है कि मुझे संबंध का चिंतन हो, व्यवस्था का बोध हो, है ना। आप पाएंगे कि जब हम थके हुए हैं तो हम अलग से तो कुछ समझने के लिए काम नहीं कर सकते, रेस्ट करेंगे, उस रेस्ट के दौरान तो हम अगर इस चिंतन की आवश्यकता को देख पाए तो श्रेष्ठ के समय का भी सदुपयोग होगा। तो ये काम अपने को करना है आज असाइनमेंट ग्रुप में, मैं इसको लिख दूंगा चैट बॉक्स में भी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, ये बहुत मतलब कई बार ये होता है कि हम काम करके थक जाते हैं और जब खाली समय मिलता है तो चिंतन के मतलब संबंधों के चिंतन के बजाय मतलब आपने अभी यहाँ ध्यानाकर्षण किया है तो कभी कभी होता है, मगर कई बार यही होता है कि हम मनोरंजन में चले जाते हैं मतलब तो इसके पीछे हमारी ये मान्यता बनी हुई है क्या कि मैं सुख ये इंद्रियों के साथ आस्वाद लेने से सुख मुझे मिलता है, ये मान्यता बनी हुई है या देखिए इसमें दोनों ही बात है, मान्यता का भी एक भाग है और शरीर का भी एक भाग है। होता क्या, जब हम काम कर रहे होते हैं, काम में मशगूल होते हैं, तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेते शरीर में, सांस की गति हमारी ना तेज हो जाती है या हम पूरा सांस खींच के अंदर नहीं लेते हैं जी। तो जो बॉडी में हमारे सिक्रेशन होते हैं, जो ब्रेन में सिक्रेशन हो रहा है, उसमें फर्क पड़ता है ना, ब्रेन में भी हो सकता है कि कमी हो जाए ऑक्सीजन का जो यहाँ न्यूट्रिएंट्स है, तो वो चीजें रुक जाती है। फिर जब हम कोई मनोरंजन का काम
करते हैं तो फिर वो जो सिक्रीशंस होते हैं, जो संवेदनाएं मिलती हैं, वो जो सिक्रीशंस ब्रेन में शुरू होते हैं, उससे फिर हमें ब्रेन को भी और बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो एक बेसिकली आवश्यकता मनोरंजन की ना होकर आवश्यकता यह है कि शरीर का पोषण उस ढंग से उस क्षण में हो पाए। तो हम इसका एक विकल्प ये भी देख सकते हैं कि अगर ब्रेन में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, या सिक्रीशंस जो आवश्यक है वो रुक गया कहीं पे, तो फिर वो कैसे पूरा हो जाए। तो मनोरंजन एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम फ्रेश एयर में बैठ गए, है ना, बैठ के लंबी सांस खींची, है ना। तो ये सभी विधियां हो सकती हैं, कुछ और विधियां हो सकती हैं। तो ये जो शरीर वाला भाग है उसको कैसे पूरा करें, ये एक निर्णय लेने वाली बात है कि हम कोई मनोरंजन करके पूरा करें या हम जो शरीर में तत्वों की कमी हुई है उसको किसी और विधि से पूरा करें। बहुत सारी यौगिक विधियां हो सकती हैं, तो वो एक बात है। बहुत जी भैया, ये बहुत अच्छा निरीक्षण है, क्योंकि मैंने देखा है अगर हम उस टाइम कुछ एक्सरसाइज करें तो ये जो थकान होती है, मतलब थकान सी लगती है, महसूस होती है, मगर कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ काम करें, तो भी ऐसा होता है कि वो फिर से एनर्जी आ जाती है, मतलब जी। और तो फिर हम शरीर वाला भाग हुआ जी, समय थोड़ा कम है, समय हो चला, मैं उसको पूरा करता हूँ। और दूसरा, मैं में अगर कोई मान्यता बनी हुई तो उसका मूल्यांकन करेंगे। अगर संवेदना को सुख माना हुआ हमने, है ना, तो कई बार क्या होता है कि हम मनोरंजन किए बट अपने आप में एक ब्लेम किया अपने आप को, देखो मैं फंसा हुआ हूँ, बट कहाँ फंसे हुए हैं हम और शरीर की क्या आवश्यकता, उसको अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं। जी जी जी, इस पे हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। जी जी भैया।